fascination in the presence of God. यही तो हमको सीखना है, यही तो हमको जानना है, जीवन में लेना है, क्योंकि इन बातों को हम सीख रहे हैं कि प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की बातों में हमारे अंदर में आनंद का आकर्षण है. How we live holy? क्या हम पवित्रता का जीवन जीते हैं? Living fascinated in the pleasure of loving God. क्या हमारे प्रेमी परमेश्वर के आनंद में, क्या हम तीव्रता से भरे हुए जलन के साथ में, उन्माद के साथ जीते हैं कि नहीं? What we've been looking at, और जो बातें हम देख रहे थे, First Peter, पहला पत्रस, chapter 1, पहला अध्याय, 15 and 16, 15 और 16. You should know that verse by heart. अब तक तो आपको ये आयत कंठस्थ हो जाना चाहिए. You know it? क्या आप जानते हैं? Okay, चलिए बोलिए. Yes. Be holy because God says be holy. For I am holy. क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इस बात को कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. He has already looked into holiness. He equips us to enjoy life forever with God. और हमने पहले इस बात को देखा है कि पवित्रता का जीवन हमें परमेश्वर के साथ सनातन के लिए आनंद के जीवन को जीने में सब सहायता करता है. God calls us to holiness. परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाता है प्रियो. And this call of holiness is superior call than any other call. और उसकी जो बुलाहट जो पवित्रता के लिए है वो किसी भी बुलाहट से बढ़कर के है प्रियो. Why? Because we get fascinated with God. हम क्यों कर परमेश्वर के साथ में उसकी आनंद के आकर्षण में भला क्यों नहीं फिर हम शामिल होते? Then also we saw. फिर हमने इस बात को देखा. Spirit helps us to feel what the Father feels. पवित्र आत्मा या फिर आत्मा हमें परमेश्वर पिता जो महसूस करता है वो महसूस करने में हमें सहायता करता है. Then we saw the power of holiness frees us to experience the depth of God. और हमने ये बात को भी देखा कि पवित्रता का सामर्थ्य हमें परमेश्वर की गहरी बातों को समझने में और उसको जानने में सहायता करता है. और प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता की ओर ये एक बहुत बड़े खजाने की खोज करने के समान है. And over the time, और समय के बीतने के साथ impacts our emotions. और ये पवित्रता ही हमारे भावनाओं को, हमारे एहसासों को प्रभावित करता है प्रियो. And then we also saw. और फिर हमने ये बात को भी देखा. What is the best way to overcome darkness? To turn the light on. और अंधकार के ऊपर में जय पाने का, अंधकार को दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कि हम प्रकाश को उज्जवलित करते हैं या पत्ती को जला देते हैं. Then we are, when we are in the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, there is fullness of joy. वहाँ पर आनंद की भरपूरी होती है प्रियो. And then we saw also the river of pleasure. और फिर बाद में हमने एक आनंद की नदी को देखा. As the Spirit reveals the beauty of God, जबकि आत्मा हमें परमेश्वर की सुंदरता को प्रकट करता है, it is not little things, ये छोटी छोटी बातें नहीं, but the river flowing. लेकिन ये तो महानदी है जो प्रवाहित हो रही है. And we saw about David, हमने दाऊद के बारे में देखा, how his lifelong goal was, और कि उसके जीवन पर्यंत का लक्ष्य क्या रहा, कि वो परमेश्वर की सुंदरता को हमेशा निहारते और उससे मुलाकात करते रहे. Then we saw in the last days, और फिर बाद में हमने ये देखा अंत के दिनों में, in the end time, और समाप्ति के दिनों में, God will fascinate his people with the beauty of Jesus. कि परमेश्वर पिता पुत्र यीशु मसीह के सुंदरता के प्रति लोगों को आकर्षित करेगा. Isaiah chapter 4 verse 2. और यशायाह उसका 4 का 2. Did we cover this last time? क्या हमने पिछले बार इस बात को देखा था? Yes, sir. हाँ, हमने देखा था. And then we talked about our longing to be fascinated. और फिर हमने इस बात को भी देखा कि आकर्षण के प्रति हमारा इंतजार. And then we saw the entertainment industry, how they target. और फिर हमने हॉलीवुड को कि कैसे उन्होंने मनोरंजन के द्वारा से लोगों को इफेक्ट अवर लॉन्गिंग, और वो हमारे इंतजार
प्रचार करने के इस अनुभूति पर कैसे प्रभाव डाला इस बात को भी देखा। और ये तो अंदरूनी निम्नतम दर्जे का मनोरंजन है, आनंद है। And we saw also when we are spiritually bored, we become vulnerable to Satan's attack. और हमने इस बात को भी देखा कि जब हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो शैतान के आक्रमणों के प्रति हम बहुत ही सामान्य बन जाते हैं, या फिर आराम से आसानी से हमारे ऊपर में घाप किया जा सकता है। When there is a vacuum of fascination, जब आकर्षण का शून्यता पैदा होता है, it is difficult to resist temptation. तो फिर उस समय में शैतान को और अभिघनित अभिलाषाओं को दूर करना मुश्किल हो जाता है। Then we start sinning because we think it will provide pleasure. और फिर हम पाप करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है इनके द्वारा से हमको बड़ा सुकून और आनंद मिलता है। But we need to realize the pleasure which we get in God, towards God and fascinated with His beauty is much higher than the pleasure we get in the world. हमें क्या समझना है प्रियो, कि हमारा परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के आक्रमण में जो आकर्षण में, माफ कीजिए, परमेश्वर के आकर्षण में जो हमें आनंद मिलता है, वो किसी भी आनंद से सबसे उच्चतम किस्म का आनंद होता है। Today and tomorrow we will finish this topic. आज और कल में हम इस विषय को समाप्त कर देंगे। And then Wednesday we will see another topic. फिर हम बुधवार के दिन एक और दूसरे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। How we can have an empowered life. कि हम कैसे एक सशक्ततापूर्ण जीवन को बिता सकते हैं। Because we need that for this life to live. क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता इस जीवन को यहाँ बिताने के लिए चाहिए प्रियो। So what Hebrews says. और इब्रानी में क्या लिखा गया है? Chapter 11 verse 25. और 11 का 25 में speaking about Moses. वहाँ पर मूसा के बारे में बताया गया है। What it says there? वहाँ पर क्या बताया गया? Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा इसे मूसा को। And so he didn't want to be part of the passing pleasure of the sin. और इसलिए ये जो पाप का जो आनंद है, उसमें वो सहभागी होना नहीं चाहता था। Moses chose to suffer affliction. और मूसा ने दुख उठाने को दर्शाया। When the people of God, जब परमेश्वर के लोग, then enjoy the pleasure of the sin. कि पाप के थोड़े समय के आनंद को उठा रहे थे उस समय में। As Moses chose to suffer affliction, जैसे कि मूसा हमें बताता है कि कैसे दुख उठाना है, rather than enjoy the passing pleasure of sin, बजाय इसके कि पाप में पाए जाने वाले थोड़े से आनंद के प्रति आकर्षित होने के, what did he do? उसने क्या किया? He chose to say no. उसने इनकार करना सीखा, या उसने इनकार करने का चुनाव किया। और ये पापों में पाप को उसके द्वारा से मिलने वाले आनंद को उसने ना कह दिया। So what it is pointing to us? ये हमें क्या दर्शाता है प्रियो? That sin is pleasurable. कि पाप आनंदमय होता है। But for just a moment. लेकिन थोड़े से अल्पकालीन समय के लिए। It is always passing. ये हमेशा जाते रहता है। It's always momentary. ये हमेशा क्षण भंगुर होता है। When the reason we sin, ये कारण कि हम पाप करते हैं, because we believe, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं और विश्वास करते हैं, the pleasure of sin is superior to the pleasure of connecting with God. कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के आनंद से अच्छा पापों का आनंद होता है। That is what the enemy gives us, the lie. यही तो शैतान हमारा शत्रु हमें झूठी बात सिखलाता है। Why people are selling their body? क्यों लोग अपने शरीर को बेचते हैं? Why they are selling their soul? क्यों वो अपने अंतरात्मा को बेच देते हैं? For the momentary pleasure. क्षण भंगुर आनंद के लिए। When Moses came back, जब मूसा वापस आया, he had a choice to live in the palace again. और उसके पास में चुनाव था कि वो चाहे तो जाकर के राजमहल में फिर से जीवन बिता सकता। Why he had to suffer all the things? लेकिन उसने क्यों दुख उठाने का चुनाव किया? Because he knew, क्योंकि वो जानता है, that he doesn't want to be part of
क्योंकि वो पापों में पाए जाने वाले थोड़े से आनंद का सहभागी होना नहीं चाहता। That's what you need to learn in ministry. इसलिए तो हमें इन सब बातों को सीखना है प्रिय। That's what you need to learn in the journey we have upon this earth. और इस दुनिया में जो सफर हम कर रहे हैं उस सफर में हमें ये बातों को सीखना बहुत ही अनिवार्य है। It is very important. ये बहुत ही अहम और प्रमुख है। We make the right choice, कि हम सही चुनावों को करें। Not choose the pleasure of this world, ये नहीं कि हम संसार के पापों के आनंद का चुनाव करें। In exchange of the pleasure of God, और ये कि हम परमेश्वर के आनंद और परमेश्वर की बातों के ऊपर में उनको रखें। But if you are not fascinated, अगर आप आकर्षित नहीं हुए in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में, then we will have problem. तो फिर जीवन में समस्या नहीं है प्रियो। David knew the depth of that. और दाऊद इसकी गहराई को जानता था। That's why he is saying. इसलिए तो वो कहता है। I rather stay in the house of the Lord. मैं परमेश्वर के तंबू में भवन में रहना पसंद करता to have an intimacy and pleasure of God. और मेरे दिल की एक ही तमन्ना है कि मैं हमेशा उसके भवन में वास करूं और उसके निकटतम और समीपता में बने रहूं। See, sometimes people think, आप देखिए कई बार लोग ऐसा सोचते हैं God is blind. कि परमेश्वर अंधा है। And we get temptation all the time. और हमेशा हमारे सामने परीक्षाएं अभिलाषाएं आती हैं। I have seen in the ministry being pastor for so long, और इतने लंबे समय से कलीसिया की पासवानी करते हुए मैंने बातों को देखा। People are in the ministry, जब लोग सेवकाई में होते हैं, and when they have opportunity to do business with the world, और जब वो संसार के साथ में बाहर में अगर उनको व्यवसाय करने का अवसर मिले, they become dishonest. वो ईमानदार नहीं होते हैं, बेईमान बन जाते हैं। They will make that agreement with somebody. और वो किसी के साथ में अनुबंध कर लेते हैं। I said, I will give you the contract. और मैं आपको ये अनुबंध दे दूंगा। I will give the business. और मैं आपको ये व्यवसाय सौंपूंगा। And I will tell the pastor. और मैं पासवान से बोलूंगा। Or I will tell the committee. और फिर बाद में किसी अधिकार से कहूंगा। It's going to cost you $5,000. और ये मुझे 5,000 रुपए इसकी लागत लगी है, मैं उनको दूंगा। And what you do, whatever bonus is there. जो भी बोनस मिलता है बाद में मेरे को दे देना 1,000 बाद में दे देना, तो तू 4,000 रखकर 1,000 मेरे को दे देना, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। हेलो, वी आर ट्रेडिंग द मोमेंटरी प्लेजर फॉर द प्लेजर ऑफ द फैसिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, नॉट रियलाइजिंग गॉड सीज ऑल थिंग्स। और हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद जो आकर्षण हम उसके प्रति उसके उपस्थिति में जो महसूस करते हैं, उस बातों को हम ये छोटे और निम्न दर्जे के क्षणभंगुर आनंद में हम उसको लेन देन कर रहे हैं, उसके साथ व्यवसाय कर रहे हैं, ये नहीं जानते हुए परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। The greed is going to destroy you. ये लालच आपको नाश कर देगा। And pride will destroy you. ये घमंड आपको नाश करेगा। समझ में आ रहा है? See, this is the practical living. आप देखिए ये व्यवहारिक जीवन है। This is everyday living. ये प्रतिदिन दैनिक जीवन है। See, I need to be creative. आप ये समझ लीजिए मुझे सृजनात्मक बनना होगा। I have to be creative in the kingdom of God. अबे मुझे परमेश्वर के राज्य में सृजनात्मक बनना होगा। Because my Lord is a creator. क्योंकि मेरा जो प्रभु है वो सृजनहारा है। But the Lord of this world is a deceptive God. लेकिन इस संसार का जो देवता है वो तो धोखा देने वाला है। He's a liar. वो तो झूठा है। He's a deception. वो तो फरेब करता है। He manipulates. और वो लोगों को अपने वश में करता है। All those kinds of things are there. ये सब बातें हैं प्रियो। So it doesn't matter how clever you are. आप कितने चतुर हैं फर्क नहीं पड़ता। That doesn't matter. ये कोई फर्क नहीं पड़ता। In the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में, is a character. ये चमत्कार है। कैरेक्टर, माफ कीजिए, ये एक चरित्र है। व्हाट इज योर कैरेक्टर? आपका चरित्र क्या है? गॉडलीनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैरेक्टर। भक्तिपन सीधे सीधे चरित्र के साथ में जुड़ा है प्रियो। आई लर्न फ्रॉम माय फादर। मैंने अपने पिता से सीखा। इवन वांटेड टू टेक वन पेनी व्हिच बिलोंग्स टू द वर्क ऑफ गॉड। और परमेश्वर के कार्य में लगने वाले एक रुपया तक वो नहीं लेते। वो ही वाज सेइंग आई डोंट वांट टू टेक द मनी फॉर फर्स्ट स्टैम्प्स। और मैं ये डाक
स्टैंप के लिए पैसे नहीं लूंगा। इफ आई कैन पे आई विल पे। अगर मुझे देना है मैं दूंगा, लेकिन इधर से नहीं लूंगा। हेलो, सी वी ट्राई टू मैनिपुलेट। देखिए हम अपनी इच्छा के अनुसार वश में करना चाहते हैं। बिकॉज़ वी आर चूजिंग द मोमेंटरी प्लेजर नाउ। क्योंकि हम अल्पकालीन आनंद को जो वर्तमान का है, थोड़ा सा है, जाता हुआ आनंद का चुनाव कर रहे हैं। That affects our holy living। ये हमारे पवित्रता के जीवन को बिताने में आरंगा मार सकता है प्रियो। And not only that, इतना ही नहीं, our children will do the same। और हमारे बच्चे भी हमारे नक्शे कदम पर चलेंगे। Because it's going from generation to generation। क्योंकि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश चलता है। So you're not doing it yourself। ये आप अपने लिए खुद के लिए नहीं करते। But you're passing on to your kids and kids। ये तो आप अपने बच्चे नाती पोतों और आगे तक के वंश को आप पहुंचा रहे हैं। That's why God is saying। इसलिए तो प्रभु कहता है। I am holy। मैं पवित्र हूँ। And that's why you need to live holy। इसलिए तो तुमको पवित्रता का जीवन बिताना होगा। And I was thinking about the creation of God। और मैं परमेश्वर की सृष्टि के बारे में सोच रहा हूँ। How we can be creative? हम कैसे सृजनात्मक बन सकते हैं? How we can be stewards? हम कैसे भंडारी बन सकते हैं? I was teaching in Revelation to the people। और मैं तो बच्चों को चिकन 120 रुपीज किलो अगर चिकन 120 रुपए किलो है, अगर मैं 50 किलो खरीदना चाहता हूँ तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि 50 किलो के थोक में लेने के कारण मुझे वो सस्ता पड़ना चाहिए। मुझे आपको सस्ता Why? देना चाहिए। क्यों? Because I am saving the money for the kingdom of God। क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए पैसे बचा रहा हूँ। Why I give it to the wicked people? मैं क्यों दुष्ट लोगों को ये पैसा दूँ? And I'm not going to keep the money extra। और मैं वो अतिरिक्त पैसा रखने वाला नहीं। No। नहीं। If I save the money for the work of God, अगर मैं परमेश्वर के काम के लिए पैसों को बचाता हूँ, I'm not going to take 50 rupees out of it and put in my pocket. और मैं उसमें से 50 रुपए का कमीशन लेकर के अपने जेब में रखूंगा। Nobody will know about it. Nobody will know about it. और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। Holy Spirit knows. लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। Holy Spirit knows. पवित्र आत्मा जानता है। God knows. प्रभु जानता है। You cannot get away from the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग कर कहाँ जाएंगे? Hello. This is the way we need to live. Godly life, holy life, in all the areas of our life, we need to be above reproach. और इसी प्रकार से होता है जीवन के सारे पहलुओं में, सारी बातों में, सब बातों के ऊपर में हमें अपने जीवन में इस तरह के पवित्रता का, भक्ति का जीवन बिताना है। He said that we want people to be generous. और हम लोगों से कहते हैं कि उदार बनो। We want God to be generous. और हम चाहते हैं परमेश्वर उदारता से दे दे। We want to give. हम देना चाहते हैं। But we want to receive. और हम पाना चाहते हैं। We want always people to give. और हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमको देते रहे। But we don't give. लेकिन हम देते नहीं। We are confused. Hello. How we are going to receive blessing? फिर we are confused. अगर हम इस तरह से कंजूसी करें प्रियो, कैसे कर हम आशीषों को पा सकते हैं? I knew many times dad didn't have a penny. मैं जानता हूँ ऐसे कितने बार अपचन के जीवन में हुआ कि उनके पास में एक रुपया नहीं होता। When he will receive the offering, जब कभी दान मिलता, he will send it to some church. और वो किसी और कलीसिया में भेजते थे। Or some pastor. Because I did for him when he was visiting in America. और इस प्रकार से कहता और मैं खुद भी जब अमेरिका में होता हूँ कई बार मैं जब किसी पासवान से मुलाकात करने जाता हूँ ये करता हूँ। No, I saw him. और मैंने देखा है उनको ऐसा करते हुए। See, you learn the principle of being generous because God is generous. आप क्योंकि परमेश्वर हमारा उदार है इसलिए आप उदारता के उन गुणों को, उदारता के इन सिद्धांतों को आप सीखते हैं। When you get up in the morning, जब आप सुबह को उठते हैं, you say, I've got so many feelings of today.
आज मुझे बहुत सारे काम हमको करना है. Before I get there, लेकिन इससे पहले मैं वहां जाऊं, you're going to send your path, the Holy Spirit. आप अपने पवित्र आत्मा को वहां भेजिए. You're going to send the angel. आप वहां पर अपने स्वर्गदूत को भेजिए. And create a new thing so I can be glorified. और can be glorified through that. और इस प्रकार से वहां के वातावरण को और इस माहौल को इस प्रकार से बनाए कि प्रभु हमें तेरी महिमा कर सकूं. Are you getting the point? क्या आपको समझ में आ रहा है? Holy living is not some big aura when you come in the church. और पवित्रता का जीवन ये नहीं कि जब आप कलीसिया में आते हैं. And we don't put a mask on our face. और हम अपने चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं लगाते. It is a practical thing. ये तो व्यवहारिक बातें हैं प्रियो. Why the scripture talks about Moses? और बाइबल बताती है मूसा के बारे में. Why it talks about Joseph? और ये क्यों कर मूसा और क्यों यूसुफ के बारे में बात करता है? When the ruler of the house wife approached him. और जब उस घर के मालिक की पत्नी उसके पास आई, he said, I'm not going to go for momentary pleasure. और वो प्रत्युत्तर में कहता है, इस अल्पकालीन या छोटे से आनंद के लिए, छोटे समय से आनंद के लिए मैं ये काम नहीं करूंगा. I will send it away. मैं इसे छोड़ दूंगा. If we have to be watched by somebody, अगर हमें ऐसा किसी के निगरानी में रहना पड़े, or somebody has to be with us, और किसी ना किसी को हमारे साथ होना है, for what we are doing, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए, then we are in trouble. तो फिर हम समस्या में पड़ गए. Then we are not living a holy life. तो फिर हम पवित्रता का जीवन नहीं बिता रहे. Because we need to be a person when nobody is watching us, aware of the presence of God. It should not be a bondage. Hello. सुनिए, हमें ऐसे लोग बनना है कि जब हमको कोई नहीं देख रहा है, एकांत में जब हम होते हैं और ये एकांतपन में हम इस बात को जान ले कि परमेश्वर की उपस्थिति है. So we sin. Spiritual people sin. इसलिए कई बार हम पाप करते हैं. आत्मा से भरे लोग पाप कर रहे हैं. Believers. विश्वासी. Because we think it will provide a pleasure now. क्योंकि उनको ऐसा लगता है या हमको ऐसा लगता है इसके द्वारा से हमें आनंद और सुकून मिलता है. That is more important than the pleasure of God. और ये परमेश्वर के आनंद और सुकून से बढ़कर के हम इसे नापते और गिनते हैं. That is the deceitfulness of sin. और ये पाप का धोखा है प्रियो. May our heart be hungry to connect with God. परमेश्वर से जुड़ने के लिए हमारे दिल होने पाए कि भूखे और प्यासे हो जाए. We say, maybe I am longing for fascination. और कि हम ये कहें कि हम परमेश्वर के आकर्षण के लिए इंतजार कर रहे हैं. I want my heart to be hungry for the right kind of pleasure. और कहें कि मेरा दिल सही बातों के आकर्षण के लिए भूखा प्यासा होने पाए. My heart should be fascinated for forever. और मेरा दिल हमेशा के लिए आकर्षण से भर जाए. And God will fulfill in an exceeding glorious ways forever. और परमेश्वर इन सारी बातों को सबसे बड़े पैमाने पे उच्चतम तरीके से अपने महिमा से भरे हुए बातों से हमें भरने पाए. If he touches us now in this age, अगर वो इस वर्तमान के इस युग में यदि वो स्पर्श करता है, we don't have to wait till we get to heaven. और हमें स्वर्ग तक जाने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है. Why? We can enjoy heaven now. क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग का आनंद यहाँ पर अभी उठा सकते हैं. We can have the beginning of the beginnings. और हमें शुरुआतों की शुरुआत कर सकते हैं. And enjoy the real. और हम वास्तविकता का आनंद ले सकते हैं. A great man of God said, एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, great Bible teacher, एक धर्मशास्त्र के बड़े शिक्षक, I don't know whether you know him or not. मैंने जानता आप उनको जानते हैं या नहीं. He's known in the circle of the scholars. और वो पंडितों के घेराव में, पंडितों के समूह में उनको जाना पहचाना जाता है. Great pastor he was. और बहुत ही महान और बड़े पासवान. John Piper. He said. उन्होंने कहा. God is most glorified in us. Write it down. God is most glorified in us. You got it? Yes. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.
जब हम सबसे ज्यादा परमेश्वर में संतृप्त होते हैं और उसमें पर्याप्तता महसूस करते हैं, उस समय में परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महिमामंत होता है। आपको समझ में आया? That will change, bring a revolution in your heart. और ये एक प्रकाशन आपके दिलों में भी हो, आपके जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। If you say to the Holy Spirit, आप पवित्र आत्मा से कहते हैं, I'm going to be most satisfied in Him. कि मैं उसमें सबसे ज्यादा संतृप्ति महसूस करूंगा। That will be God. Mostly glorified in us. प्रियो वो भूक्षण है जिसमें कि हमारा परमेश्वर हमारे जिंदगियों में हमारे जीवनों में सबसे ज्यादा महिमामंत होता है। Why? क्यों? But happens opposite of that? इसका विपरीत विलोम क्या होता है? Sin is what we do when our heart is not satisfied with God. जब हमारा मन हमारा दिल परमेश्वर में आनंदित और पर्याप्त नहीं होता है और संतृप्त नहीं होता है, वो क्षण है जब हम पाप कर बैठते हैं। God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. जब हम उसमें सबसे ज्यादा तृप्त होते हैं, सबसे ज्यादा संतृप्त होते हैं, ये वो क्षण है जिसमें परमेश्वर हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महिमामंत होता है। When our spirit accelerated with God, जब हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ में मेल खाने लगता है, When the best thing happened in our walk with God, जब हमारा परमेश्वर के साथ में चलना ये एक उत्तम चीज जब होता है, The call to holiness is a call to enjoy God. और ये पवित्रता की जो बुलाहट होती है, ये परमेश्वर की आनंद को महसूस करने, परमेश्वर के आनंद को लेने का बुलाहट बन जाता है। It is not drudgery. ये कोई खजाना नहीं है। Or self-denial through self-denial. और ये नहीं है कि स्वयं का इनकार कर देना है। It is not that we are denying the inferior pleasure. ये नहीं। Want to have a superior pleasure. ये नहीं कि हम निम्न दर्जे के आनंद को ठुकरा रहे हैं क्योंकि ये उच्चतम वाला आनंद है। But we want to be satisfied mostly in Him. हम तो सबसे ज्यादा उसी में आनंद होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। I can tell you with experience. मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ। Nothing will satisfy you. आपको कुछ भी नहीं जो तृप्त कर पाए। But Jesus will satisfy you. आपको केवल यीशु है जो संतृप्त कर सकता है। I was going to be a medical doctor. मैं एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता था। I went from here to America to become a doctor. और मैं यहाँ से अमेरिका डॉक्टर बनने ही गया। Because I thought being a doctor would be very pleasurable. क्योंकि मुझे ऐसा लगा डॉक्टर बनने से मुझे जीवन में सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा। And I didn't want to suffer like my father. और मेरे पिताजी ने जैसे दुख उठाया, मैं वैसा दुख भोगना नहीं चाहता। You know, all his entire life, he never had a salary. आप जानते हैं अपने पूरे जीवन में उन्हें कभी तनख्वाह नहीं मिला। He came by faith to Tarsi. विश्वास से इटारसी में आए। Hey, for one year he had a church. एक साल उनको वो कलीसिया में थे। Two people were there. दो लोग आए। Mom and dad. माँ और पिताजी। Every Sunday they had service. और प्रति इतवार को आराधना सभा हो रही है। They both sang. और वो दोनों गा रहे हैं। And that priest. वहाँ पर दोनों बैठे, माँ बैठी है, पिताजी प्रचार कर रहे हैं। And they were she was the audience. और यही वो श्रोतागण, यही वो विश्वासी की मंडली थी। But they were satisfied in God. लेकिन वो प्रभु में बड़ा आनंदित हो। What happened in 1944? लेकिन 1944 में क्या हुआ? And they at the end of the year. और उस साल के समाप्ति में. They went through lot of difficulties. वे बहुत सारे दुख और तकलीफों से गुजरने लगे। I remember I was the oldest one. मैं अभी भी स्मरण करता हूँ कि three days without food. कितने दिन हम बिना खाने के ऐसे गए। One night a boy came. एक रात को एक लड़का आया। Who came in the midnight? और वो जो कि मध्यरात्रि में आया। He said. उसने कहा। My mom was woken up by somebody. और मेरी माँ को किसी ने जगाया। And she had to bake the food. और उन्होंने खाना बनाया। And they sent it to our house. और उन्होंने कहा जाओ जाकर के कुरियर पास्टर के घर में दे दो। I was a little boy. I think so. Matthew Thomas was just maybe 6 months old or 1 year. मैं वहाँ पर उस समय में छोटा बालक था। डॉक्टर मैथ्यू थॉमस लगभग 6 महीने के छोटे बच्चे थे। I said to the parents. और मैंने माँ-बाप से अपने अभिभावक से कहा। I didn't knew that heaven has chakki. मुझे नहीं मालूम था स्वर्ग में भी आटा चक्की है। You know what आटा चक्की is? You guys are too modern. आप बहुत ही आधुनिकता में हैं। You have to take the गेहूं
every time to the chakki to get the atta and then make roti. You got it? Hello? Yes, sir. You got made. We used to walk in the morning. Some of you have duties in the morning. We all used to get up in the morning. After prayer, we had to go to the well. I told you a party I have. No, we had to go to the well. And bring the water. And fill the drums. And then take a bath. How much water we have to bring for convention? आप जरा सोच के देखिए एक कन्वेंशन के लिए कितना पानी लाना होता होगा। That time we didn't have bathroom college. उस समय में बैरी कॉलेज नहीं था। We had to do all the work. हमें सब काम को स्वयं करना पड़ता। And we did not miss a meeting. और हम कोई भी सभा से चूकते नहीं थे। We can never be late in the church. हम कभी भी चर्च में लेट नहीं जाते। No excuse. कोई बहाना नहीं चलेगा। We had so much to do. Electricity was out and there was no water. क्योंकि माँ बाप मेरे अपचन और रमा जी परमेश्वर में वो पर्याप्त थे और वो संतृप्त थे। When you are satisfied in God, जब आप परमेश्वर में तृप्त हो जाते हैं, God is mostly glorified in you. आप में परमेश्वर सबसे ज्यादा महिमावंत होता है। My point was, here I'm running away. और ये मैं यहाँ पर हूँ जो भागे जा रहा हूँ। And I want to become a big doctor. और मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। And I got it figured out. I'm going to become a doctor. और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊँ। And I will make good money. और मैं अच्छा पैसा कमाऊँगा। And I will do the work of the Lord. और फिर मैं परमेश्वर के काम को करूँगा। And I will get into the places. और मैं यहाँ वहाँ जाऊँगा। That preachers cannot get in. और जहाँ पर प्रचारक जा नहीं सकते। I will go there and preach the gospel. और वहाँ जाकर के मैं प्रचार। Hey, sounds good. बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। Yeah. I'm helping God. मैं परमेश्वर की मदद कर रहा हूँ। I'm helping God. मैं परमेश्वर की मदद कर रहा हूँ। Says no son, I don't need your help. अब प्रभु कहता है बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मदद की जरूरत नहीं है। He closed all the doors. उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। I humbled myself. मैंने अपने आप को नम्र किया। I said Lord, that's it. मैंने कहा प्रभु बस। I'm going to do full time ministry. मैं आपके लिए पूर्णकालीन सेवा करूंगा। I want to tell you. मैं आपसे बताना चाहता हूँ। I am more satisfied in Him. मैं उसमें ज़्यादा संतुष्ट हूँ। Why? क्यों? Because I chose that to get satisfaction in the ministry in Him according to His will than my will. और उसके इच्छा के अनुसार, उसके राज्य में, उसकी सेवकाई में, ना कि मेरे इच्छा के अनुसार, मैंने उसके उपस्थिति में सेवा करने में आनंद और तृप्ति का फैसला किया है। Now you want to become a doctor, that's nothing wrong. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बुराई नहीं है। If it is your calling, go for it. अगर आपकी बुलाहट है, जाइए। But your calling is for the ministry. लेकिन अगर आपकी बुलाहट सेवकाई के लिए है, you better stay in the ministry. तो फिर अच्छा होगा, सेवा में बने रहो। There is nothing wrong to study. पढ़ने में, शिक्षा प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं। But if you are not called, लेकिन अगर आप बुलाए नहीं गए, you are crazy to get in the ministry. आप सेवकाई में आने के लिए मानो पागल है। You are really mad. आप बिल्कुल पागल हैं। If God has not called you, अगर प्रभु ने आपको नहीं बुलाया, and you don't have the calling from God, प्रभु की ओर से आपके जीवन में बुलाहट ही नहीं, don't be in the ministry. आप सेवा में ना बने रहे। You can do the work of God otherwise. आप दूसरे तरीकों से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। It is not easy. यह आसान नहीं है। It is not glorious. यह महिमावंत नहीं है। But it is glorious. ये जरूर महिमावंत है। When you are satisfied in Him, कि जब आप उसमें तृप्त होते हैं, God is most glorified in and through. ऐसे हालात में जब कि आप उसमें तृप्त होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सबसे ज्यादा महिमावंत होता है। The battle for holiness, पवित्रता के लिए जो युद्ध है, is truly a battle to be preoccupied with God.
और ये यकीनन परमेश्वर के साथ में पहले से बने रहने के एक बहुत बड़े युद्ध का अंजाम है। Are you very good? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? Battle for holiness. पवित्रता की जो लड़ाई या युद्ध है is a battle to be preoccupied with God. और ये एक ऐसा युद्ध है कि हम परमेश्वर से पूर्व तरीके से हम जुड़े या पूर्व तरीके से हम उसके होकर के या उसको अपने मन के ऊपर विश्राम कर रखे। We'll see the foundational truth for the holy living tomorrow. और हम कल पवित्रता के जीवन को जीने के बुनियादी बातों को देखेंगे। And three practical principles to discern God's part and our part. और परमेश्वर के भाव को और हमारे अपने किरदार को फर्क करने में समझने के तीन सिद्धांतों को हम देखेंगे प्रियो। That will include our study of godly living or living holy in this time. जिसमें कि ऐसे अध्ययन करने में हमारा भक्तिपूर्ण जीवन बिताने की बातें इसमें जरूर शामिल होंगे। I pray that you are changing. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, प्रार्थना है मेरी कि आप बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। I pray that you, I have challenged you. और मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि मैंने आपको चुनौती दी है कि आप पवित्रता का जीवन बिताएंगे। I pray that you are encouraged by the power of God. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा से और भी उत्प्रेरित होंगे। And you are going to examine your life. और आप अपने जीवन का अवलोकन करेंगे प्रियो। And see, am I mostly satisfied in God? और हम इस बात को देखेंगे क्या मैं ज्यादा से ज्यादा समयों में परमेश्वर में तृप्त रहता हूँ या नहीं? That he can be glorified mostly in my life. क्योंकि मेरे जीवन के द्वारा से उसको सबसे ज्यादा इसी रीति से मैं उसको महिमामंत कर सकता हूँ। Is anything up in my heart as a grace which gives me more pleasure than the pleasure of God? क्या मेरे दिल में मेरे जीवन में ऐसा कोई स्थान है कि परमेश्वर को ज्यादा परमेश्वर में आनंद करने से ज्यादा कोई बात है मेरे जीवन में दिल में जो मुझे आनंद दे रही है? हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना होगा। Show me that. प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे ऐसी अगर कोई बात है मुझे आज शुद्ध कर। Sanctify me today. प्रभु मुझे पवित्र कर। And my longing is. क्या मैं ऐसी बातों की बात जो रहा हूँ? Live a holy life for you. कि मैं प्रभु तेरे लिए पवित्रता का जीवन जी सकूँ। I want to be fascinated by you. मैं तेरे प्रति आकर्षित होना चाहता हूँ। I want to have more pleasure in your presence. प्रभु तेरे उपस्थिति में ज्यादा आनंद ज्यादा आकर्षण चाहता हूँ। Help me to just step into your presence. परमेश्वर तेरे हुजूरी में तेरे उपस्थिति में कदम चहल करने के लिए और चहल कदमी करने के लिए मदद कर। When I'm down, जब मैं नीचे स्थानों में होता हूँ। When I'm feeling low, और जब मैं निम्न दर्जे का महसूस कर रहा हूँ। I want to get into your presence. मैं तेरे उपस्थिति में दाखिल होना चाहता हूँ। When I feel tired, जब मैं थका मांदा महसूस कर रहा हूँ। When I feel kind of discouraged a little bit, और जब मैं अपने जीवन में मायूसी महसूस करता हूँ। And when I start feeling weak, और जब मैं कमजोरी महसूस करता हूँ। I take everything I have. मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब ले लेता हूँ। My body and soul. मेरा शरीर प्राण आत्मा and spirit. और मेरी आत्मा I give it to the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा को सौंप देता हूँ। I did that coming here before coming here. और मैं यहाँ पर आने से पहले ऐसा किया। While I was sitting here, that's what I was doing. मैं जब यहाँ पर बैठा हुआ था तो मैं यही कर रहा था। I'm saying to the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से कह रहा हूँ। Take my body. प्रभु पवित्र आत्मा मेरे शरीर पर। Take my mind. मेरे मन को ले ले। And will. मेरी इच्छा शक्ति को। And you cleanse it by the blood of the Lamb. और उस मरे उस मेमने के लहू से उसे शुद्ध कर दे। Sanctify it. अबंद उसे पाक कर दे। And I want you to anoint me. और with a fresh oil. और मैं चाहता हूँ कि तू ताजा तेल से मेरा मस्सा मेरा अभिषेक कर। So I can enjoy your presence. ताकि मैं तेरी आनंद का आनंद को उठा सकूँ। Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं। I want you to reach in the love of God. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के प्रेम तक पहुँच जाएं।
that you are coming to chapel. आप चैपल में आते हैं. Not because it's the rule of the Bible college. ये नहीं कि आप बाइबल कॉलेज के रूल में हैं या बाइबल कॉलेज में एक सिद्धांत है या इसमें कायदे कानून है इसलिए आए. But you are coming to this place. लेकिन आप यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं. Looking forward to come to this place. और इस स्थान पे आने के लिए आप बात जोते रहते हैं. You are stepping into the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखते हैं. And you are going to be more satisfied. और आप और ज्यादा प्रभु में तृप्त होते हैं. So God will be glorified. ताकि परमेश्वर आपके जीवन में सबसे ज्यादा महिमामंत होने वाला हो सके. With the Father's heart. क्योंकि पिता का दिल. I'm going to tell every staff. मैं हर एक स्टाफ से कहना चाहता हूँ. And every student today. हर एक विद्यार्थी को. Because I love you. क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ. As a spiritual father to tell you. और ये एक आत्मिक पिता होने के नाते कहता हूँ. Just not take it lightly. इसे हल्के में ना ले प्रिय. Just not take it for a routine. आओ हम इसे हम प्रतिरोध का प्रतिदिन का दैनिक कार्य के रूप में ना ले. Let's not come together just to please others. हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में ना आया करें. Come to the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आए. Because I'm going to enjoy and have a pleasure in the presence of Him. क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी लूंगा महसूस करूंगा. And I'll go out of this place. और मैं स्थान से बाहर जाऊंगा. With full of joy. मेरे दिल में बड़े आनंद का. And pleasure. और वो एहसास जो अच्छा है. Because it says, जो कि लिखा गया है. In His presence, there is fullness of joy and pleasure. उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. आओ परमेश्वर के सामने हम अपने अपने मनों को अपने दिलों को जांचने वाले परमेश्वर के सामने आप टूटे हुए टूट कर आए. Everyone of us say, Lord, I want to come into your presence, God. Hey, कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में आना चाहता हूँ. I want to be fascinated with you, Lord. प्रभु मैं तेरे साथ में प्रभु जी मैं आनंद लेना चाहता हूँ. I want to be have a pleasure in your presence. प्रभु जी मैं तेरे उपस्थिति में आनंद लेना चाहता हूँ. More than chicken curry. ये चिकन के करी से बढ़कर के. More than samosas. समोसा से बढ़कर के. And more than jalebi and all. और जलेबी से बढ़कर के. I'm looking forward to entering into your presence. प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में आने के लिए बात जोते रहता हूँ. Change my living. मेरे जीने के तरीके को बदल दे. Change my perspective. प्रभु मेरे दृष्टिकोण मेरे विचारों को बदल दे. In Jesus name. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. Say Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Go out with the blessings of God. परमेश्वर की आशीषों के साथ में जाएं.